प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों में बढ़ते जलस्तर की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को पहले से ही राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। महेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल मानसून समय से प्रदेश में आ चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा समय से उठाए गए कदमों की वजह से प्रदेश में अभी भी बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। जिन क्षेत्रों में जलभराव की समस्या थी वहां भी नालों की सफाई समय से किए जाने से ये दिक्कत दूर हुई है। देखिए, बहुत अच्छी तैयारी बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा और सिंचाई विभाग जल शक्ति के द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय से पहले पैसा दिया, हम लोगों ने मानसून से पहले काम पूरा किया और बहुत सारे जिलों का हम लोगों ने दौरा भी किया और कार्यों का निरीक्षण किया, वहां के सांसद और विधायकों के साथ काम को देखा। समय से काम पूरे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी समीक्षा की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अंतर विभागीय बैठक होती है उसको लेकर के सभी विभागों को एक्टिवेट किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। मानसून समय से पहले आया है, बहुत सारा डिस्चार्ज गंडक में, नारायणी में, घाघरा में, राप्ती में, रोहिन में हो चुका है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि एक बार फिर से समीक्षा करते हैं कि अगर कहीं कोई जरूरत है तो हम लोग उस काम को दुरुस्त करेंगे। आज उसी के दृष्टि से यह बैठक बुलाई गई है। अच्छी बात यह है कि अभी तक 4.5 लाख क्यूसिक डिस्चार्ज हमारे गंडक में हो चुका है, लेकिन सब कुछ सुरक्षित है। राप्ती बड़ी तेजी के साथ बढ़ी, रोहिन बहुत तेजी के साथ बढ़ी, शारदा में पानी बढ़ा, घाघरा में पानी बढ़ा, लेकिन इनके सबके बावजूद सब जगहों से अभी तक जो हमको सूचना प्राप्त हुई है सब कुछ ठीक है,